हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एरे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इससे प्रीवियस टॉपिक में प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि इसके बेसिक ऑपरेशंस हमने डिस्कस किए थे। बेसिक ऑपरेशंस कौन कौन से थे? इंसर्शन, डिलीशंस, सर्च एंड अपडेट। सो इंसर्शन का यूज़ हमने कहाँ किया था? जब हम एरे में हमें किसी एक नए एलिमेंट को हमें ऐड करना होता है। ऐड हम एलिमेंट कहीं भी कर सकते हैं, एरे के स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं, एरे के एंड में भी कर सकते हैं, एरे के मिड में भी कर सकते हैं। सेकंड हमारा था डिलीशन ऑपरेशंस। डिलीशन ऑपरेशन में हमें ये था कि अगर हमारा एरे है उसमें से हमें किसी एक एलिमेंट को हमें हटाना है या उसमें से डिलीट करना है, तो उसके लिए हमने डिलीट ऑपरेशन का यूज़ किया था। सर्च ऑपरेशन का यूज़ हमने इसलिए किया था, एरे लिस्ट में से हमें किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को हमें जब सर्च करना होता है तो उस कंडीशन में हम सर्च ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। और अपडेट ऑपरेशंस, अपडेट ऑपरेशन का यूज़ हमने इसलिए किया कि हमारा एरे है उसके किसी भी एग्जिस्टिंग जो हमारे एलिमेंट्स हैं उसमें हमने पहले से डिसाइड कर रखे हैं, उनमें हमें अगर किसी तरह का कोई चेंजेस करना हो, किसी एलिमेंट की वैल्यू चेंज करनी हो या उसकी इंडेक्स चेंज करनी हो या उसका एड्रेस चेंज करना हो, इस टाइप की कंडीशन में हमें अपडेट फंक्शन का यूज़ किया था। सो नाउ वी कंटिन्यू दिस चैप्टर फॉर सम न्यू टॉपिक्स। फर्स्ट है हमारा, हम इसके अंदर टॉपिक डिस्कस करेंगे कैरेक्टर स्ट्रिंग, फंक्शन इन सी एंड मेमोरी एलोकेशंस। मेमोरी एलोकेशन में हम दो पार्ट हैं इसके, तो वो डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ मेमोरी एलोकेशन एंड देन डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस। पहले हम देखेंगे कि इस मेमोरी एलोकेशंस होता है वो कितने टाइप का होता है और फिर उनके बीच में डिफरेंस क्यों होता है, क्या होता है, उन्हें क्यों हमने इन टाइप्स में डिवाइड किया, इसके लिए हम उनके डिफरेंसेस देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कैरेक्टर स्ट्रिंग। कैरेक्टर मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे से बताया है क्या होता है। जो भी हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए टू जेड, दैट आर द कैरेक्टर। एंड स्ट्रिंग, स्ट्रिंग होती है हमारी सेट ऑफ कैरेक्टर। जब कैरेक्टर्स मिलकर किसी एक वर्ड को बना देते हैं तो वो क्या बन जाता है? स्ट्रिंग। एग्जांपल के लिए हम हमारा नाम ले सकते हैं, हम हमारा खुद का नाम ले सकते हैं जो कैरेक्टर से मिलकर बना हुआ होता है, दैट इज़ स्ट्रिंग। बट इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, वो हम देखेंगे कि क्या क्या होते हैं। कैरेक्टर स्ट्रिंग्स में क्या होता है, स्ट्रिंग्स आर एक्चुअली वन डायमेंशनल एरे। अब हम एरे चैप्टर की बात कर रहे हैं तो स्ट्रिंग क्या होता है, एक वन डायमेंशनल एरे होता है, वन डायमेंशनल एरे या एक लिस्ट जैसा होता है। सो उसके अंदर कैरेक्टर्स टर्मिनेटेड बाय ए नल कैरेक्टर और दिस वन स्लैश जीरो एंड सिंगल कोट्स। अब क्या है, इसके अंदर एक नई चीज़ आ रही है, नल कैरेक्टर। जब भी हम एरे में कैरेक्टर स्ट्रिंग्स का एरे बनाएंगे तो उसको जब भी हम एंड करेंगे, टर्मिनेटेड करेंगे, तो एक नल कैरेक्टर उसके लास्ट में हमें लगाना कंपलसरी होगा। तो नल कैरेक्टर कैसे लगाते हैं हम, एक स्लैश लगाएंगे और ज़ीरो, और उसे सिंगल कोट्स में लिखेंगे। सिंगल कोट्स में हम सारे ही कैरेक्टर्स लिखेंगे। जब भी हम एक एक कैरेक्टर लिखेंगे ब्रैकेट्स बना के, तो उसके अंदर सबको हम सिंगल कोट्स में लिखेंगे, तभी वो कैरेक्टर स्ट्रिंग्स कहलाएंगी। सो इन सी स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट लिटरल्स आर सराउंडेड बाय डबल कोट्स। अब जब स्ट्रिंग हम लिखते हैं, जैसे हम हमारा नाम लिखते हैं तो उसे डबल कोट्स में लिखेंगे, देन द स्ट्रिंग इज इन प्रॉपर फॉर्म। स्ट्रिंग को प्रॉपर फॉर्म में बनाने के लिए हमें उसे डबल कोट्स में लिखना होता है। तो हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, जैसे मैंने लिखा हेलो इंडिया, तो मैंने इसको डबल कोट्स में लिखा है। डबल कोट्स में लिखने से ये क्या बन गई है, स्ट्रिंग बन गई। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ ए स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट इज कैर। कैर इज ए कीवर्ड। कीवर्ड हम बहुत अच्छे से रीड कर चुके हैं हमारे बेसिक्स ऑफ सी लैंग्वेज वाले वीडियो में। कैरेक्टर कीवर्ड होता है एक जो स्ट्रिंग को फॉलोअप करता है, और इसके लिए हम इसके साथ में हम दो एक पेयर स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट में हम साइज़ मेंशन करते हैं, जो भी हमारी स्ट्रिंग होगी उसका साइज़ हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। अब किस तरह से हम इसको डिक्लेयर, इनिशलाइज और बनाएंगे, किस तरह से हम इसका एरे बनाएंगे, हम नेक्स्ट देखेंगे। अभी इसका एक एग्जांपल,
द फॉलोइंग डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन क्रिएट ए स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ द वर्ड हेलो। अब हम एक डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन करने वाले हैं एक स्ट्रिंग का, वो है हमारी हेलो। और टू होल्ड द नल कैरेक्टर एट द एंड ऑफ द एरे द साइज ऑफ द कैरेक्टर एरे कंटेनिंग द स्ट्रिंग इज वन मोर देन द नंबर ऑफ रियल नंबर। अब क्या होगा, हमारी जो भी हमने स्ट्रिंग बनाई उसके लास्ट में हेलो बनाई हमने एक स्ट्रिंग, हेलो के जब भी हम इसको एरे के रूप में इसको लिखेंगे तो इसके लास्ट में हमने एक नल कैरेक्टर यूज़ करना है, करेंगे हम नल कैरेक्टर, तो इससे क्या होगा इसका साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे हेलो वर्ड में साइज़ कितना है इसका, कितनी स्ट्रिंग है इसमें, 5 स्ट्रिंग है, बट जब हम इसका साइज़ देखेंगे तो ये हमें एक प्लस करके बताएगा इसमें, क्योंकि जो हमने नल कैरेक्टर इसके अंदर यूज़ किया है उसे भी वो साइज़ के अंदर काउंट करेगा, तो हमें इसकी साइज़ 6 मिलेगी। अब हम देखते हैं हमें किस तरह से इसको डिक्लेयर करेंगे। देखिए कैर ग्रीटिंग, कैर हमारा कीवर्ड है जो स्ट्रिंग को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर ग्रीटिंग ये हमारी स्ट्रिंग का नाम है। यहाँ पर हम नाम कुछ भी दे सकते हैं स्ट्रिंग का, इट डिपेंड ऑन अस, दिस इज़ द साइज ऑफ द स्ट्रिंग, यहाँ पर हमने साइज मेंशन किया है। तो सिंगल कर्ली ब्रेसिस यहाँ पर हम लिखेंगे और टर्मिनेटेड बाय द सेमी कॉलन। हेलो लिखा हमने सिंगल कोट्स में, लिख रहे हैं हम हेलो, एच देन ई आई आई ओ, हेलो लिखा हमने एच ई डबल एल ओ, तो सिंगल कोट्स में लिखना है इनको सबको और सबको सेपरेट करना है कोमा से। लास्ट में हम इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, नल ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, नल हमने यूज़ किया इसमें। इफ़ यू फॉलो द रूल ऑफ एरे इनिशियलाइजेशन देन यू कैन राइट द अबव स्टेटमेंट एज फॉलो। अब हम क्या करेंगे, इसको इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, कैर ग्रीटिंग केवल इनिशियलाइज करना है हमको, यहाँ पर साइज वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं करना है। कैर लिखा, कीवर्ड लिखा हमने, किस टाइप का हमारा एरे है उसका नाम दिया, साइज़ के लिए हमने स्पेस यहाँ पर भी फ्री छोड़ दिया क्योंकि अभी हमने यहाँ पर एरे क्रिएट नहीं किया है इसका। तो और हेलो स्ट्रिंग हमने यहाँ पर लिया है टर्मिनेटेड बाय द सेमी कॉलन। अब हम यहाँ पर इसको एरे के रूप में इसको प्रेजेंट करने वाले हैं। फॉलोइंग इज द मेमरी प्रेजेंटेशन ऑफ द अबाउट डिफाइंड स्ट्रिंग इन सी और सी प्लस प्लस। कैसे हम इसको एरे में प्रेजेंट करेंगे देखेंगे। बॉक्स एक लीनियर लिस्ट बनाएंगे हम, इसको डिवाइड करेंगे 6 पार्ट्स में, देन एक एक पार्ट में हम सिंगल सिंगल कैरेक्टर लिखेंगे एच ई एल एल ओ देन नल कैरेक्टर। यहाँ पर हमें कोट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन टाइम पे हमें ध्यान रखना है। और हमने ये लिख लिया, ये हमारे वेरिएबल्स हो गए, हमारे एलिमेंट्स हो गए। अब इंडेक्स क्या है हमारा, 0 से स्टार्ट होता है हमेशा। जब हम न्यूमेरिक एरेज बना रहे थे, इंटीजर वैल्यूज़ के एरे बना रहे थे, तब भी हमने इंडेक्स मेंशन किया था, जो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, वहाँ भी एरे इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा था। इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। देन एड्रेस, थर्ड पॉइंट आता है एड्रेस। एड्रेस इज़ एलोकेटेड बाय द ऑटोमेटिक बाय द सिस्टम। सो यहाँ पर कैरेक्टर ले रहा है हमारा 1 बाइट 23,451, तो सेकंड का हो गया हमारा 23,452, इनके अंदर 1 का ही डिफरेंस है, तो एलिमेंट हमारा कितना स्पेस ले रहा है, 1 बाइट ले रहा है। जबकि जब हम न्यूमेरिक की बात कर रहे थे तो वहाँ पर 2 बाइट लेता है या तो एक एलिमेंट या 4 बाइट लेता है, तो जो एड्रेस होता है उसके उन दोनों दो एलिमेंट के एड्रेस के बीच में या तो 2 बाइट का डिफरेंस होता है या 4 बाइट का डिफरेंस होता है, जिसे हम W से इंडिकेट करते हैं। अब एक कंडीशन आती है हमारे पास में, इफ़ यू डू नॉट प्लेस द नल कैरेक्टर एट द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। अगर हमने स्ट्रिंग तो बना लिया बट हमने क्या किया, उसे नल कैरेक्टर उसके साथ में यूज़ नहीं किया, तो क्या होगा, क्या आप हमारा प्रोग्राम एरर दे देगा, नहीं हमारा प्रोग्राम एरर नहीं देगा। उसके उसमें क्या होगा, द सी कंपाइलर ऑटोमेटिकली प्लेसेस द नल एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन इट इनिशियलाइज द एरे। जब हम कंपाइल करेंगे हमारे प्रोग्राम को तो कंपाइलर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसके एंड में नल कैरेक्टर को
पुट अप कर देगा इनिशियलाइजेशन टाइम पे। सो हम इसका एक सी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। कैसे इसका सी इम्प्लीमेंटेशन होगा? हैश इंक्लूड stdio.h, दिस इज द हेडर फाइल्स, दिस इज कंपल्सरी इन ईच एंड एवरी प्रोग्राम। इन मेन इंटीजर लिया हमने यहाँ पर मेन फंक्शन। मेन फंक्शन क्यों लिया हमने? कंपाइलर सर्च, कंपाइलर सबसे पहले क्या करेगा? मेन फंक्शन को सर्च करता है कंपाइलेशन स्टार्ट करने से पहले। सो मेन फंक्शन यूज़ किया हमने। अब हमारा यहाँ पर इसका प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। क्या लिखा हमने? कैर ग्रीटिंग 6, कैरेक्टर कीवर्ड यूज़ किया, ग्रीटिंग हमने स्ट्रिंग का नाम दे दिया, 6 इज़ द साइज ऑफ द स्ट्रिंग। हमारे स्ट्रिंग का साइज़ क्या है? 6। और कर्ली ब्रेसेस में हमने हमारे स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर दिया। यहाँ पर हमने डिक्लेरेशन हो गया इसका। प्रिंट एफ, प्रिंट एफ में हम हमेशा वो वाला मैसेज देते हैं जो हमें आउटपुट पर शो अप होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर दिया ग्रीटिंग मैसेज। ग्रीटिंग मैसेज हमने ये कुछ भी हम यहाँ पर मैसेज दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन। सो हमने ये मैसेज दिया हमने ग्रीटिंग मैसेज। फिर हमने यहाँ पर परसेंट एस यूज़ किया, दिस इज़ द न्यू थिंग। अभी तक प्रीवियस जो भी हमने प्रोग्राम्स बनाए हम उनमें परसेंट डी यूज़ करते हुए आ रहे थे। परसेंट डी यूज़ होता है इंटीजर वैल्यूज़ के लिए, परसेंट एफ यूज़ होता है फ्लोटिंग वैल्यूज़ के लिए, और परसेंट एस हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग के लिए, कैरेक्टर्स के लिए। सो हमने यहाँ पर परसेंट एस यूज़ किया है उसका एड्रेस पुट अप करवाने के लिए। देन ग्रीटिंग स्लैश एन इज़ यूज फॉर चेंज द लाइन, देन रिटर्न 0, द फंक्शन शुड नॉट रिटर्न एनी टाइप ऑफ वैल्यू। अब जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, व्हेन द अबव कोड इज कंपाइल एंड एग्जीक्यूट इट प्रोसेस द फॉलोइंग रिजल्ट। ये रिजल्ट हमें मिलेगा, यहाँ पर आउटपुट देखिए, ग्रीटिंग मैसेज हेलो, यहाँ पर हेलो मिल गया। अब ये हमें नॉर्मल हेलो मिला है, यहाँ पर ये हमारे लिए स्ट्रिंग है, बट जब हम इसे प्रोग्राम्स में लिखेंगे या स्ट्रिंग का हमें क्वेश्चन आ जाता है उसका आंसर लिखेंगे तब हम इसे डबल कोट्स में लिखेंगे, अदरवाइज हमें आउटपुट ऐसे ही मिलेगा नॉर्मल। अब हम बात करते हैं फंक्शंस इन सी। फंक्शंस किस कितने टाइप के होते हैं सी में? सी सपोर्ट अ वाइड रेंज ऑफ फंक्शन दैट मैनिपुलेट नल टर्मिनेटेड स्ट्रिंग। फंक्शंस में सी के अंदर बहुत टाइप के फंक्शंस होते हैं जो नल टर्मिनेटेड स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करते हैं, बनाते हैं, अपडेट करते हैं। तो फंक्शन होते हैं हमारे पास में 6, और इनके फंक्शन के पर्पस क्या क्या होते हैं ये हम देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। strcpy, दिस इज टू वर्ड, दैट आर द टू वर्ड। तो एस टी आर ये है हमारा स्ट्रिंग, सी पी वाई है हमारा यहाँ पर कॉपी। जैसा फंक्शन दिया हुआ है हमें सेम ऐसा ही लिखना है, हम सी ओ पी वाई नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर, फंक्शंस आर प्री डिफाइंड। सो सी देखेंगे, एस टी आर सी पी वाई लिखा हमने, ब्रैकेट में हम हमारी स्ट्रिंग के नेम देंगे एस वन एंड एस टू। हमने हमारी स्ट्रिंग एस वन को किससे इंडिकेट किया? एस वन से, और स्ट्रिंग टू को हमने कर दिया एस टू से। तो कॉपीज स्ट्रिंग एस टू इंटू एस वन। अब ये क्या करेगा? स्ट्रिंग एस टू को, एस टू को एस वन में कॉपी कर देगा, मतलब एक स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करने का काम हमारा स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन करेगा। जब हमारे पास में दो स्ट्रिंग हैं, अब हमें दोनों को आपस में एक के अंदर दूसरी को कॉपी करना है तो हम ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। सेकंड हमारा फंक्शन आता है स्ट्रिंग कैट, सी ए टी, कॉन्किनेट बोलते हैं इसको। कॉन्किनेट्स का मतलब होता है आपस में जोड़ देना। तो ये क्या करेगी? स्ट्रिंग एस टू ऑन टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग वन। अब ये जोड़ तो देगी स्ट्रिंग को, बट किस तरह से जोड़ेगी? एस वन के एंड में एस टू को ऐड कर देगी। जैसे हमने नाम लिख, हम एक नाम लेते हैं, जैसे नाम लिया नव भारती, तो नव हो गया हमारा स्ट्रिंग वन और भारती हो गया हमारा स्ट्रिंग एस टू। तो एस वन के आगे एस टू को ऐड करेगा, तो नव पहले आएगा उसके आगे ये भारती को ऐड कर देगा, तो टोटल स्ट्रिंग हो गया हमारा नव भारती। नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रिंग लेंथ, एल ई एन स्टैंड फॉर लेंथ, लेंथ को इंडिकेट कर रहा है, ये हमें स्ट्रिंग की लेंथ बताएगा। अब जिस भी स्ट्रिंग की हमें लेंथ जाननी हो हम उसे यहाँ पर ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे। जैसे मैंने लिखा S1, तो S1 स्ट्रिंग थी हमारी नव, तो ये क्या करेगा?
इसकी लेंथ मुझे दे देगा, तो लेंथ दे देगा 3। रिटर्न द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एस वन, ये हमें स्ट्रिंग एस वन की लेंथ रिटर्न कर देगा जो कि है 3। एस टी आर सी एम पी, सी एम पी इज स्टैंड फॉर कंपैरिजन, ये दो स्ट्रिंग को आपस में कंपेयर करेगा। रिटर्न 0 इफ एस वन एंड एस टू आर द सेम, अगर एस वन और एस टू बिल्कुल सेम है, दोनों की दोनों मतलब उनका लेंथ भी सेम है, दोनों कैरेक्टर में है, तो दोनों बिल्कुल दोनों सेम है, तो हमें 0 रिटर्न कर देगा। लेस देन 0 इफ देन एस वन, और एस वन लेस देन एस टू हमें रिटर्न करेगा, और अगर ग्रेटर देन है 0 से, तो ये हमें एस वन इज ग्रेटर देन एस टू रिटर्न करेगा। नेक्स्ट हमारा फंक्शन आता है स्ट्रिंग कैर, सी एच आर, सी एच आर इज स्टैंड फॉर कैरेक्टर, ये हमें क्या रिटर्न करेगा, एस वन जो हमारा स्ट्रिंग है उसका पॉइंट कैरेक्टर का एक पॉइंटर हमें रिटर्न करेगा। और नेक्स्ट है हमारा स्ट्रिंग स्ट्रिंग एस वन एस टू, ये हमें स्ट्रिंग एस टू के लिए एक पॉइंटर रिटर्न करता है। तो ये हमारे फंक्शंस थे जो हम हमारे कैरेक्टर स्ट्रिंग वाले एरे का जो भी हमारा पार्ट है, जब हम उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्ट्रिंग्स क्रिएट करते हैं एक ही प्रोग्राम में, हम हमारे पास में डिफरेंट टाइप की कंडीशंस होती हैं, तब हम इन फंक्शंस को हमारे इसमें यूज़ करते हैं, कॉपी करने के लिए, दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ने के लिए, स्ट्रिंग्स की लेंथ हमें निकालने के लिए, आपस में कंपैरिजन के लिए। हमें अलग से कोई फंक्शंस नहीं बनाने हैं, हमारे पास में ऑलरेडी फंक्शंस मेंशन है और उनके पर्पस भी हैं, तो हम इन्हें हमारे फंक्शन में इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब इनको किस तरह से यूज़ करेंगे, हम इसका एक सीन प्रोग्राम देखेंगे। द फॉलोइंग एग्जाम्पल यूजेज सम ऑफ द अबव मेंशन फंक्शन, जो भी अभी हमने फंक्शंस देखे उनको हम किस टाइप से हमारे प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, इसका एक छोटा सा हम एग्जाम्पल देखेंगे। हैश इंक्लूड stdio.h एंड हैश इंक्लूड string.h। अब यहाँ पर एक नई चीज़ आ रही है, अभी तक हमने यहाँ पर सेकेंड हेडर फाइल देखा था conio.h, conio.h भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं और करेंगे, बट हमने यहाँ पर string.h भी यूज़ किया, थर्ड हेडर फाइल है हमारी, क्योंकि जो भी स्ट्रिंग से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं हमारे, कहाँ पर सेव है हमारे string.h में, इस हेडर फाइल में हमारे सेव हैं सारे, तो हमें ये इसको पहले मेंशन करना ही होगा। इंट मेन, मेन फंक्शन हमारा, व्हेन कंपाइलर इज स्टार्ट द कंपाइलेशन ऑफ प्रोग्राम देन इट सर्च फर्स्ट मेन फंक्शन, सो हमने यहाँ पर मेन फंक्शन लिया। अब हमने लिए हैं यहाँ पर स्ट्रिंग, जो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए ऑलरेडी, तो हमने कैर लिया कीवर्ड, स्ट्रिंग के लिए कैर कीवर्ड यूज़ होता है, कैर स्ट्रिंग वन, एस टी आर इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, हम एस टी आर ही यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो एस टी आर यूज़ किया वन, और यहाँ पर आप साइज मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। सो इक्वल्स टू हेलो, डबल कोट्स में ही लिखेंगे इसको, क्योंकि अभी हम सी का प्रोग्राम लिख रहे हैं, सी से स्ट्रिंग तभी मानेगा जब आप इसे डबल कोट्स में लिखेंगे। स्ट्रिंग टू है हमारी वर, और स्ट्रिंग तीन, थ्री, यहाँ पर हम कुछ मेंशन नहीं कर रहे हैं, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी स्ट्रिंग थ्री की तो हम इसे यूज़ हमारे प्रोग्राम में कभी भी कर सकते हैं। इंट लेन, अब हमने इंट लेन यूज़ किया, एल ई एन इज स्टैंड फॉर लेंथ, अभी मैंने बताया था आपको स्ट्रिंग की लेंथ जानने के लिए लेंथ फंक्शन यूज़ करते हैं हम, तो इसको हम एल ई एन लिखेंगे, टर्मिनेटेड बाय द सेमी कॉलन। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ तक तो हो गया हमारा डिक्लेरेशन, हमें क्या करना है वो हमने यहाँ पर कंडीशंस लिख ली हैं सारी, अब हमें करना है कॉपी करना है स्ट्रिंग वन इंटू स्ट्रिंग थ्री, वन को थ्री में कॉपी करना है, वन है हमारी हेलो और थ्री में जाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन लगाएंगे स्ट्रिंग थ्री और स्ट्रिंग वन, जिसमें कॉपी करना उसे पहले लिखेंगे, जिसको कॉपी करना उसे बाद में लिखेंगे, तो स्ट्रिंग वन कॉपी हो जाएगा स्ट्रिंग थ्री में इस फंक्शन से। सेकंड है हमारा कॉन्किनेट स्ट्रिंग एस वन एंड एस टू, अब ये दो स्ट्रिंग है हमारी वन और टू, इनको आपस में ऐड कर देगा ये वाला फंक्शन हमारा, अब फंक्शन ऐड तो कर देगा, बट प्रिंट एफ सब्ट्रैक्ट स्ट्रिंग कॉन्किनेट
कॉन्किनेट करेगा स्ट्रिंग वन और एस टू को। ये जो मैसेज हमने दिया है, जो आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, ये आपको आउटपुट स्क्रीन पे दिखाई देगा। प्रिंट एफ में हम वही मैसेज देते हैं हमेशा, स्ट्रिंग और परसेंट एस। परसेंट एस इज़ यूज फॉर स्ट्रिंग, स्लैश एन इज़ यूज फॉर चेंज द लाइन एंड स्ट्रिंग वन। ये हमें जो स्ट्रिंग वन है हमारी और स्ट्रिंग टू, इन दोनों को आपस में जोड़कर हमें एक नया वर्ड बनाकर दे देगा। टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वन आफ्टर कॉन्किनेशन, अब जो भी दोनों को जोड़ने के बाद में जो हमारी टोटल लेंथ होगी वो हमें चाहिए, तो उसके लिए हमें फंक्शन यूज़ करेंगे स्ट्रिंग लेंथ, एस टी आर एल ई एन। और हमें किसकी लेंथ चाहिए, अब हमारी वो टोटल स्ट्रिंग वन बन गई है, जब हमने उनको आपस में जोड़ लिया तो वो हमारी स्ट्रिंग वन बन गई, अब हमें उसकी लेंथ चाहिए। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, प्रिंट एफ में हमने मैसेज दिया स्ट्रिंग लेंथ एस टी आर वन, स्ट्रिंग वन की हमें लेंथ देगा, बट हमने यहाँ पर कुछ चेंजेस किया है। अभी तक हम यहाँ पर यूज़ करते आ रहे थे परसेंट एस, अब हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर परसेंट डी। डी क्यों यूज़ किया हमने, क्योंकि जो हमारी लेंथ आएगी वो किस में आएगी, इंटीजर में, इंटीजर में आएगी, तो इंटीजर के लिए हमें क्या यूज़ करते हैं, परसेंट डी, देन रिटर्न ज़ीरो। ओके, सो हम इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। स्ट्रिंग थ्री वन में कॉपी हो, स्ट्रिंग वन कॉपी हो गया थ्री में, हेलो। स्ट्रिंग टू और वन को आपस में ऐड कर दिया है, हेलो वर्ल्ड। और हमें आप बाद में ऐड होने के बाद में ये आपस में कॉन्किनेट हो गई है, उसके बाद में हमने लेंथ मांगा था प्रोग्राम में, तो इन्होंने हमें लेंथ दिया है 10। काउंट कर लीजिए, वन एच ई एल एल ओ फाइव वर्ड, देन डब्ल्यू ओ आर एल डी फाइव वर्ड, टोटल इज 10, देन इट गिव्स द स्ट्रिंग लेंथ इज 10। गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स, नाउ द मेमरी एलोकेशंस। अब हमने इतना देखा कि हम एरे बनाते हैं, उसमें इंडेक्सेस होती हैं और हर एलिमेंट को मेमोरी प्रोवाइड की जाती है, 1 byte, 2 byte या 4 byte अकॉर्डिंग टू आर कंडीशंस। स्ट्रिंग स्ट्रिंग के लिए अलग अलग मेमोरी बाइट्स होता है, साइज़ अलग होता है इसका, और इंटीजर के लिए अलग होता है, पॉइंटर्स के इसके लिए फ्लोटिंग वैल्यूज़ के लिए अलग होता है। तो ये क्यों होता है, इसे क्यों डिवाइड किया गया, ये कितने टाइप का होता है, ये अब हम यहाँ पर देखेंगे। सब देखते हैं मेमोरी एलोकेशन, इसे टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशंस और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। सबसे पहले हम देखेंगे स्टैटिक मेमोरी एलोकेशंस क्या होता है और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, बट क्यों होता है, ये किस तरह से इनकी प्रोसेस होती है, ये इससे पहले हमें देखना ज़रूरी है। तो मेमोरी एलोकेशन का प्रोसेस क्या होता है, क्या हमारा एलिमेंट कंप्यूटर में जाते ही अपने आप चला जाता है क्या, या हमें कुछ उसे इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं, सम टाइम हमें इंस्ट्रक्शंस भी देने पड़ते हैं, सम टाइम वो ऑटोमेटिकली भी उनको मेमोरी प्रोवाइड हो जाती है, तो इसका पूरा प्रोसेस क्या है ये हम देखेंगे। यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर लोकल वेरिएबल एंड फ्री मेमोरी, ग्लोबल वेरिएबल, देन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, स्टैटिक वेरिएबल, ये वो चीज़ें हैं सारी जो हम हमारे प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, ठीक है। लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल, ये दो देखेंगे हम पहले क्या होते हैं। ग्लोबल वेरिएबल तो क्या होता है, किसी फंक्शन के अंदर यूज़ किया जाता है, और लोकल वेरिएबल होता है इसके आउटसाइड भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। सी, ग्लोबल वेरिएबल्स, स्टैटिक वेरिएबल्स एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन गेट देयर मेमोरी इन परमानेंट स्टोरेज एरिया वेयर लोकल वेरिएबल आर स्टोर्ड इन एरिया कॉल्ड स्टैक। जब लोकल वेरिएबल्स स्टोर होते हैं स्टैक के अंदर, स्टैक होता है जैसे लाइन बाय लाइन हम किसी चीज़ को रखते हैं, उस तरह से मेमोरी में जाके क्या होते जाते हैं, ये सेव होते जाते हैं। जैसे मैंने इंटीजर आई जे के लिया, तीन वेरिएबल मैंने यहाँ पर डिफाइन की, तो पहले आई जाके स्टोर होगा, देन जे जाके स्टोर होगा, देन के जाके स्टोर होगा, तो इस तरह से वो वन बाय वन जाके स्टोर होते हैं। फ्री मेमोरी, फ्री मेमोरी क्या होती है कि जब किस कोई मेमोरी हमारे पास में एक जगह है 1 byte की, वो हमने पहले से स्टोर कर रखी थी, बट
आगे के हमें प्रोग्राम में चाहिए कि वो मेमोरी अनयूजफुल है और मुझे अब इस प्रोग्राम में उसे चाहिए, तो फ्री फंक्शन के द्वारा हम उसे क्या कर सकते हैं, उसे फ्री करके हम हमारे प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। जब तक वो हमारे यूज़ में नहीं आती है वो हीप एरिया होता है। हीप एरिया क्या होता है देखेंगे, द मेमोरी स्पेस बिटवीन दीज टू रीजन इज नोन एज हीप एरिया। दो चीज़ों के बीच में, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल के बीच का जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है, हमारा हीप एरिया कहलाता है। दिस रीजन इज़ यूज फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, और ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज़ किया जाता है अगर हमें नीड होती है तो। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, और जो ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है वो जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तभी यूज़ की जाती है। द साइज ऑफ हीप कीप इज चेंजिंग, अब इसका साइज होता है वो प्रोग्राम के अकॉर्डिंग चेंज होता जाता है, कभी कम हो जाता है कभी ज़्यादा हो जाता है। सो लोकल वेरिएबल हमारा होता है स्टैक, फ्री मेमोरी को हम कहेंगे हीप, ग्लोबल वेरिएबल प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, और स्टैटिक वेरिएबल्स हमारे होते हैं परमानेंट स्टोरेज एरिया। ये होता है हमारा पूरा प्रोसेस। तो अब हम देखेंगे स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है कि हमें साइज़ पहले से एरे का पता होता है, हमें एरे का साइज़ पहले से पता होता है। जैसे अभी हमें हेलो पता था, हेलो कितना साइज़ लेगा एरे में, 6 वर्ड तो उसमें 5 ही हैं, बट नल कैरेक्टर भी हम यूज़ करेंगे स्ट्रिंग की उसमें फॉर्म में, तो 6 हो गया। अब हम इंटीजर की बात कर रहे हैं, इफ़ द साइज ऑफ एरे इज़ नोन बिफोर कंपाइलेशन, जब हमारा कंपाइलेशन स्टार्ट होता है प्रोग्राम का उससे पहले ही अगर हमें इसका साइज़ पता हो तो हम क्या करेंगे, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन यूज़ करेंगे। अब जैसे मुझे पता है कि इंट ए 3, एरे का नाम दिया मैंने ए, इसका साइज़ दिया है 3, किस टाइप का है ये, इंटीजर वैल्यू। जो भी एरे बनेगा वो किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा, इंटीजर वैल्यूज़ को, टर्मिनेटेड बाय द सेमी कोलन। सो हमने मेमोरी प्रोवाइड कर दी इसको, 5 था मेरे पास यहाँ पर मेमोरी स्पेस, बट मैंने यहाँ पर 3 पहले से ही रिजर्व कर दिया है। इसको हम एक सिंपल एग्जांपल से देख सकते हैं। जब हम किसी होटल में जाते हैं, मान लो होटल फुल भरा हुआ है, वहाँ पर स्पेस नहीं है, तो हम रिटर्न कर जाते हैं वहाँ से। बट अगर हम फ़ोन करके हमारी रिजर्वेशन सीट करवा लें, वहाँ पर रिजर्व करवा लेते हैं हम हमारी टेबल, तो हमें हम जाते हैं तो हमें खाली मिलती है वो टेबल, वहाँ पर हम वहाँ पर जाकर हम बैठ सकते हैं। उसी तरह से ये है, हमने यहाँ पर किया 5 तो थे मेरे पास रूम, मान लेते हैं हम इनको 5 रूम्स थे मेरे पास में, तो मेरे को पता था कि मेरे पास वेरिएबल कितने आने वाले हैं, 3 वेरिएबल आने वाले हैं, तो 3 को मैंने पहले से स्टोर कर दिया। अब यहाँ पर इन 3 के अलावा दूसरे वेरिएबल्स इस मेमोरी में नहीं आ पाएंगे, तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया, मेरा स्पेस रिजर्व हो गया पहले से। तो वो जब हमें पहले से साइज़ पता होता है एरे का, उस कंडीशन में हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेशंस यूज़ करते हैं। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, व्हेन वी डिक्लेयर वेरिएबल वी एक्चुअली आर प्रिपेयरिंग ऑल द वेरिएबल्स दैट वी विल बी यूज। अब जब हम हमारे प्रोग्राम में वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं तो उन सबको हम वैल्यूज़ भी प्रोवाइड करते हैं, तो उनको मतलब इस तरह से हम प्रिपेयर कर देते हैं कि वो हमारे प्रोग्राम में यूज़ होने वाले हैं। क्या होता है उससे, सो दैट द कंपाइलर नो दैट द वेरिएबल बीइंग यूज्ड इन एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। कंपाइलर को भी ये पता चल जाता है कि ये वाले जो वेरिएबल्स हैं जिनको हमने रिजर्व कर दिया है वो हमारे प्रोग्राम में यूज़ होंगे, और ये भी एक हमारे प्रोग्राम का इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो मुझे इन पर ध्यान देना चाहिए। तो कंपाइलर क्या करता है, उनके लिए पहले से ही अपने अकॉर्डिंग, अगर हम उन्हें मेमोरी नहीं बताते हैं कि कितने वेरिएबल हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग भी थोड़ी थोड़ी मेमोरी उनके लिए रिजर्व करता जाता है। उसे पता चल जाता है कि ये मेरे प्रोग्राम का पार्ट है और ये मेरे प्रोग्राम में यूज़ होने वाले हैं। व्हेन वी डिक्लेयर वेरिएबल्स व्हाट द कंपाइलर एक्चुअली डज इज अलोकेट दोज वेरिएबल टू देयर रूम्स। अभी मैंने बताया आपको क्या करेगा कंपाइलर, उसको रूम प्रोवाइड कर देता है, उनको छोटी छोटी थोड़ी मेमोरी प्रोवाइड कर देता है, और बाद में वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या होती जाती है, छोटी या बड़ी होती जाती है। नाउ इफ़ यू सी दिस इज़ बीइंग डन बिफोर द प्रोग्राम एग्जीक्यूट। अब हमने ये देखा ये सारी चीज़ें कब हो रही है, कंपाइलर ने तो अभी कंपाइलेशन तो स्टार्ट किया ही नहीं,
और कंपाइलेशन स्टार्ट नहीं हुआ तो एग्जीक्यूशन भी स्टार्ट नहीं हुआ। तो ये जो पहले जितनी भी प्रोसेस अभी हमने देखी वो कब की थी? एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने से पहले की थी। बट एक कंडीशन आती है आपके पास, यू कांट अलोकेट वेरिएबल्स बाय दिस मेथड व्हाइल द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटिंग। अब क्या बताया हाँ इसने कि ये जो आपने प्रोसेस किया, वेरिएबल को मेमोरी दे दी, कंपाइलर ने ऑटोमेटिकली दे दिया, ये सारी चीज़ें अगर हम चाहें तो क्या होता है प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिंग टाइम पर नहीं होती हैं। बाद में हमें पता चलता है कि हमें तो एक वेरिएबल और ऐड करना था, एग्जीक्यूशन टाइम पे जाके पता चलता है, तो वो कंडीशन उस टाइम पॉसिबल नहीं है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के मेथड में। सो इसके लिए अब हम क्या करेंगे? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अब हमारे पास में सेकंड ऑप्शन आता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। इन सी एंड सी प्लस प्लस थ्री टाइप्स ऑफ मेमोरी आर यूज्ड बाय द प्रोग्राम्स। तीन टाइप की मेमोरी में यूज की जाती है। कौन कौन सी होती है वो? स्टैटिक मेमोरी, हीप मेमोरी, स्टैक मेमोरी। स्टैटिक मेमोरी वेयर ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल्स आर लाइक। अब इसमें क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल होते हैं और ग्लोबल वेरिएबल होते हैं। जितने भी हम वेरिएबल बनाएंगे उसके अंदर कुछ हमारे ग्लोबल वेरिएबल होंगे, कुछ हमारे स्टैटिक वेरिएबल होंगे। तो ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल हमारे कहाँ चले जाएंगे? स्टैटिक मेमोरी में। हीप मेमोरी डायनेमिकली एलोकेटेड एट एग्जीक्यूशन टाइम। अब देखो जो हमने हीप मेमोरी की भी बात की थी, अनयूजफुल जो हमारे पास मेमोरी रखी है उसे हम कब यूज़ कर सकते हैं? हमारे एग्जीक्यूशन टाइम पर यूज़ कर सकते हैं, उस कंडीशन में जब हमें पता चलता है कि अब हमें प्रोग्राम में एक आइटम या एक एलिमेंट और यूज़ करना है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? डायनेमिक मेमोरी का यूज़ करेंगे। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ मैनेज्ड मेमोरी एक्सेस यूजिंग पॉइंटर्स। अब इसके अंदर छोटी सी कोई मेमोरी होती है, छोटे अमाउंट में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। किसके द्वारा? पॉइंटर्स के द्वारा हम इसको यूज़ कर सकते हैं। पॉइंटर्स क्या होते हैं अभी हम देखेंगे आगे की स्लाइड में। हीप मेमोरी फ्री स्टोर, ये एक हमारा फ्री स्टोर होता है। डायनेमिकली एलोकेट मेमोरी अननेम्ड वेरिएबल्स। अब उसमें इसमें वो वाले वेरिएबल्स स्टोर होते हैं जिनको हमने डिक्लेयर नहीं किया है, अननेम्ड। अननेम का मतलब क्या होता है? जिनको हमने डिक्लेयर नहीं किया है। स्टैक मेमोरी यूज्ड बाय ऑटोमेटिक वेरिएबल्स। अब स्टैक मेमोरी क्या करती है? जो ऑटो वेरिएबल्स होते हैं जो हमारे प्रोग्राम में ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाते हैं, ज़रूरत पड़ने पर कुछ ऐसे भी हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें हमें डिक्लेयर और इनिशियलाइज नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिक हमारे प्रोग्राम में यूज़ हो जाते हैं, उनके लिए और फंक्शंस पैरामीटर्स के लिए स्टैक मेमोरी का यूज़ किया जाता है। फंक्शन पैरामीटर क्या होते हैं? जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो उसको डिक्लेयर करते हैं, उनको वैल्यू देते हैं, आर्ग्यूमेंट्स देते हैं कि फंक्शन को एक्चुअली में करना क्या है, दैट इज़ द फंक्शन पैरामीटर। सो ये इस टाइप की चीज़ें किस में स्टोर होती हैं? स्टैक मेमोरी में। अब ये जो सारा था स्टैटिक मेमोरी, हीप मेमोरी और स्टैक मेमोरी, ये सब क्या करती हैं? वेरिएबल्स को स्टोर करने का काम करती है। अब डिफरेंट अब यहाँ पर क्या हो गया? पार्टीशंस बन गए। स्टैक मेमोरी में जाएंगे ग्लोबल स्टैटिक वेरिएबल, हीप मेमोरी में जाएंगे जिनको हमने इनिशियलाइज नहीं किया, डिक्लेयर नहीं किया, और स्टैक मेमोरी में हमारे चले जाएंगे ऑटोमेटिक वेरिएबल और फंक्शंस पैरामीटर। तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें अपने आप डिवाइड हो गई। अब आगे हमारे पास में रश मेमोरी से रिलेटेड रश होगा ही नहीं। अब हमारे पास में आता है मेमोरी एलोकेशन के फंक्शन। अब मेमोरी एलोकेशन तो हो गया हमारा डायनेमिक और स्टैटिक, बट उनको यूज किस तरह से हमें करना है, उसके लिए कौन कौन से फंक्शन हमें यूज़ करने हैं, तो हम देखेंगे मेमोरी एलोकेशंस के फंक्शन। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग द मेमोरी स्पेस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन टाइम और द रन टाइम। अब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का जो प्रोसेस है वो मेमोरी स्पेस प्रोवाइड करता है, ये तो सबको पता चल गया, स्टैटिक भी करता है, बट कब? एग्जीक्यूशन टाइम पर। जब हमारा एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का स्टार्ट हो जाता है तब ये हमारे को क्या करता है? मेमोरी प्रोवाइड करता है और द रन टाइम, इसे रन टाइम भी कहते हैं। रन टाइम का मतलब होता है जब हम प्रोग्राम लिख लेते हैं, फिर हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, देन हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूट करने से पहले तक का जो प्रोसेस होता है वो होता है हमारा कंपाइलेशन टाइम, और उसके बाद का जो स्टार्ट होता है टाइम वो होता है हमारा एग्जीक्यूशन टाइम और द रन टाइम। तो इन दोनों टाइम पर जब हमें अगर मेमोरी की नीड रहती है
एग्जीक्यूशन टाइम पर और रन टाइम पर, तो हम किस मेमोरी का यूज़ करते हैं? डायनेमिक मेमोरी लोकेशन का यूज़ करते हैं। अब हमारे पास में एक है फंक्शंस, फोर हैं ये। फर्स्ट है ये मैलोक। अब एक चीज़ हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे पॉइंट, जब भी सी लैंग्वेज में किसी वर्ड के आगे एक पेयर ऑफ ब्रैकेट लगा हुआ होता है तो वो मोस्ट ऑफ फंक्शन ही होता है, फंक्शन होता है वो, उसे हम फंक्शन बोलेंगे, मैलोक फंक्शन। और इसे यूज़ भी करेंगे हम, जब इनका इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन करेंगे तो हम इस ब्रैकेट को यूज़ भी करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर ब्रैकेट यूज़ नहीं करेंगे, मैलोक लिख देंगे सिर्फ, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको मैलोक MALOC देन ब्रैकेट यूज़ करना कंपलसरी है। यूज़ ऑफ फंक्शन, क्या यूज़ है इसका? एलोकेट रिक्वायर्ड साइज ऑफ बाइट एंड रिटर्न ए पॉइंटर फर्स्ट बाइट ऑफ एलोकेटेड स्पेस। मैलोक क्या करता है, हमें जितनी भी साइज़ की हमें रिक्वायरमेंट होती है, जितनी भी मेमोरी साइज़ की हमें रिक्वायरमेंट होती है वो हमें प्रोवाइड कर देता है, बट किस में? बाइट्स में। अब ये यूनिट्स तरह तरह की होती हैं, बट यहाँ पर हमें ज़रूरत होती है बाइट्स की, एरे की कंडीशन में, तो ये हमें बाइट्स में दे देता है और हमें एक पॉइंटर भी रिटर्न करता है। जो एलोकेटेड स्पेस होता है उसके लिए एक पॉइंटर रिटर्न करता है, वो भी उसका भी साइज़ बाइट में ही होता है। तो पॉइंटर क्या होता है पहले हम देखेंगे। पॉइंटर आर वेरिएबल, ये भी एक वेरिएबल होता है बट कुछ स्पेशल टाइप का एक वेरिएबल होता है, दैट आर यूज टू स्टोर एड्रेस रादर देन द वैल्यूज। अब ये क्या करता है, स्टोर करता है एड्रेस को, वैल्यू होती है उसके एड्रेस को स्टोर नहीं करता, केवल जो वेरिएबल है उसके एड्रेस को ये क्या करता है, स्टोर करता है। सो पॉइंटर एक स्पेशल टाइप का ही वेरिएबल होता है, ये हमें बाइट्स में एक पॉइंटर रिटर्न करेगा। सेकंड हमारा आता है कैलॉक, एलोकेट्स स्पेस फॉर एन एरे एलिमेंट इनिशियलाइज टू जीरो एंड देन रिटर्न ए पॉइंटर टू द मेमोरी। अब ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे एरे के एलिमेंट्स हैं, उनके स्पेस के लिए हमें मेमोरी प्रोवाइड करवाएगा और उसे इनिशियलाइज करेगा जीरो से इनिशियलाइज करेगा, देन रिटर्न हमें एक पॉइंटर रिटर्न करेगा। फ्री डी एलोकेट द प्रीवियसली एलोकेटेड स्पेस। डी एलोकेट, जब हमें एग्जीक्यूशन टाइम पर पता चलता है कि कोई मेमोरी हमें पहले से हीप एरिया में हमारे पास में रखी है बट हमें उसे यूज़ करना है, तो उसे डी एलोकेट कर देता है, मतलब यूज़ करने के रूप में उसे योग्य बना देता है, यूज़ करने के लिए हमें उसे प्रोवाइड करवा देता है, उसका एड्रेस हमें दे देता है। देन फोर्थ आता है हमारा रीअलोक फंक्शन, चेंज द साइज ऑफ प्रीवियसली एलोकेटेड स्पेस रीअलोक। अब हमने क्या किया, ये कब यूज़ होगा, जो हमने पहले से यूज़ कर लिया एक स्पेस हमने ले लिया, मान लो हमने 4 बाइट ले लिया, ठीक है हो गया हमारा काम, बट हमें बाद में पता चलता है प्रोग्राम में कि मुझे 4 बाइट की नहीं, मुझे तो 8 बाइट की नीड थी, तो क्या करेंगे हम, पूरा प्रोग्राम फिर से थोड़े लिखेंगे या पूरी प्रोसेस फिर से नहीं करेंगे हम, तो उसके लिए भी हमारे पास में एक फंक्शन है रीअलोक फंक्शन। रीअलोक फंक्शन क्या करेगा, उसको 4 को 8 हम कर सकते हैं, तो हम उस साइज को इंक्रीज या डिक्रीज हमारे अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जिससे कि हमारा साइज़ वेस्ट नहीं होगा, बाद में भी अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम 1 या 2 बाइट हम उसमें ऐड कर सकते हैं, या हमारे पास में 6 बाइट था, यूज़ हमारे पास 4 बाइट आया, हमारे पास 2 बाइट तो रह गया, वो वेस्ट जाएगा, तो हम क्या करेंगे, रीअलोक कर देंगे, उसको भी वहाँ पर सेट कर लेंगे, जिससे हमारा जो 2 बाइट वेस्ट जाने वाला था वो भी बच जाता है। गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स, अब हम इनको ब्रीफ में देखेंगे कि इनका इनिशियलाइजेशन कैसे होता है और डिक्लेरेशन कैसे होता है मैलोक फंक्शन का। ये सब हम हमारे प्रोग्राम्स में सी और सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स में हम इनको यूज़ करेंगे। सबसे पहले आता है मैलोक फंक्शन, द नेम मैलोक स्टैंड फॉर मेमोरी एलोकेशन। मैलोक फंक्शन किसके लिए, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मेमोरी एलोकेशन। सेकेंड पॉइंट, द फंक्शन मैलोक रिजर्व ए ब्लॉक ऑफ मेमोरी ऑफ स्पेसिफाइड साइज। एक ब्लॉक होता है मेमोरी का, एक पार्ट, उसे क्या करता है, रिजर्व कर देता है। जैसे हमने एक होटल में क्या की थी, 1 टेबल बुक की थी, तो ब्लॉक ऑफ
स्पेस, एक स्पेस किया था हमने, होटल बुक नहीं किया था हमने, स्पेस यूज़ किया था। तो यहाँ पर ये हमें क्या करेगा, एक मेमोरी का एक ब्लॉक हमें रिजर्व करके दे देगा जो साइज़ हम उसे बताएंगे, स्पेसिफाइड साइज़ हमें साइज़ उसे मेंशन करना होगा। एंड रिटर्न ए पॉइंटर ऑफ टाइप void which can be casted into pointer of any form। अब एक हमें ये pointer भी return करता है। अभी मैंने pointer बताया था आपको, एक special variable होता है जो variable को store करता है, ना कि उसकी value के address को, address को store करता है, sorry value के address को store नहीं करता, variable के address को store करता है। So इसका syntax क्या होगा malloc का, ptr is stand for pointer equals to cast type, मतलब इसका टाइप क्या होगा, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, दिस टाइप। malloc फंक्शन नाम दिया हमने, और यहाँ पर बाइट साइज ब्रैकेट में जितना भी हमारा साइज होगा, जो भी हमें चाहिए 4 byte 8 byte, वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। देखेंगे इसका डिस्क्रिप्शन हियर, ptr इज अ पॉइंटर ऑफ कास्ट टाइप। जो भी कास्ट टाइप है ना हमारा, डाटा टाइप जिसको हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसको इस यहाँ पर हम कास्ट टाइप बोलेंगे, वो कास्ट टाइप है पॉइंटर के लिए। द malloc फंक्शन रिटर्न्स ए पॉइंटर टू एन एरिया ऑफ मेमोरी विद साइज ऑफ बाइट साइज। और ये malloc फंक्शन हमें क्या करेगा, एक पॉइंटर रिटर्न करेगा उस एरिया के लिए जो हमने रिजर्व किया है, बाइट साइज में हमने क्या किया, उसे रिजर्व किया है। इफ द स्पेस इज इनसफिशियंट, अब हमारे पास में कंडीशन है कि जो हमने स्पेस, तो हमें यहाँ पे 4 byte लिख दिया, अब हमारे पास वो इनसफिशियंट है, देन एलोकेट्स फेल्स एंड रिटर्न नल पॉइंटर। ये एलोकेशन जो है वो फेल हो जाएगा और हमें एक नल पॉइंटर मिल जाएगा, नल इन द सेंस जीरो कह सकते हैं हम, तो हमें एक नल पॉइंटर मिल जाएगा। अब हमने यहाँ पर इसको इनिशलाइज किया कैसे, देखो ptr का ptr लिखेंगे पॉइंटर इक्वस टू इंट, कास्ट टाइप में मैंने दिया इंट, इंटीजर वैल्यूज है मेरी। malloc फंक्शन यूज़ किया, अब मुझे चाहिए 100 इंटू साइज ऑफ, साइज ऑफ इज ए कीवर्ड है ये, यहाँ पर साइज के लिए यूज़ किया जाता है साइज ऑफ। ये बेसिक्स ऑफ सी लैंग्वेज में कीवर्ड का जो भी हमने पॉइंट पढ़ा है वहाँ पर आप इसे देख सकते हैं, कीवर्ड होता है ये, और ब्रैकेट में दिया है मैंने इंट। साइज भी हमें किस में मिलेगा, इंटीजर में, न्यूमेरिक वैल्यूज में, देन टर्मिनेटेड बाय द सेमी कॉलन। ये हो गया इसका इनिशियलाइजेशन। दिस स्टेटमेंट विल एलोकेट आइदर 200 और 400 अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ इन 2 or 4 bytes रेस्पेक्टिवली, एंड द पॉइंटर पॉइंट्स टू द एड्रेस ऑफ फर्स्ट बाइट ऑफ द मेमोरी। अब जो हमने यहाँ पर 100 साइज दिया है वो हम हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं, जैसे हमें इंटीजर 2 है या इंटीजर 4 byte है हमारा, तो हम यहाँ पर 200 या 400 भी ले सकते हैं, इट डिपेंड ऑन आर कंडीशंस। नेक्स्ट हमारा आता है calloc, हाउ टू डिक्लेयर और इनिशलाइज। द नेम calloc स्टैंड फॉर कंटिग्यूस एलोकेशन। द ओनली डिफरेंस बिटवीन malloc एंड calloc इज दैट, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है malloc और calloc में, malloc एलोकेट सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी वेयर calloc एलोकेट मल्टीपल ब्लॉक ऑफ मेमोरी। अब क्या करता है malloc, हमें देता है एक सिंगल ब्लॉक, एक छोटा सा स्पेस देता है, पूरा होटल हमारे लिए बुक नहीं करता है, वो हमें एक सिंगल ब्लॉक हमारे लिए रिजर्व कर देता है, जबकि calloc क्या करता है, मल्टीपल ब्लॉक्स हमारे लिए मेमोरी के प्रोवाइड करवाता है। अब हमारे पास में था कि हम 5 friends थे, 5 friend हम गए, तो 5 friend के लिए हमें 1 table रिक्वायरमेंट था, तो हमने क्या किया वहाँ पर malloc यूज़ कर लिया, malloc फंक्शन, तो हमारे लिए 5 members की एक टेबल बुक हो गई, एक टेबल पे हमारा काम हो जाएगा। बट व्हेन वी आर 20, अब हम स्टूडेंट हैं, हम फ्रेंड्स हैं 20, अब हमें चाहिए एक से ज़्यादा टेबल, वन देन मोर टेबल, देन वी यूज़ calloc। तो वो क्या करेगा हमारे लिए, वह एक से ज़्यादा टेबल्स हमारे लिए होटल में बुक कर देगा। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन calloc एंड malloc, और साइज उनका सेम होगा, मतलब एक टेबल पर अगर 5 बैठ रहे हो तो दूसरी टेबल पर भी 5 बैठोगे। तो इस तरह से हमारे लिए 20 friends के लिए हमारे लिए वो कितने ब्लॉक कर देगा, कितनी टेबल बुक कर देगा, 4 table बुक कर देगा। दिस इज़ द डिफरेंस। सिंटैक्स ऑफ calloc, अब calloc का सिंटैक्स क्या है, ptr दिस इज पॉइंटर, कास्ट टाइप
ये किस टाइप का होगा, देन फंक्शन नेम कैलॉग और ब्रैकेट। अभी मैं बता रही थी आपको कि ब्रैकेट यूज़ करते हैं हम तभी वो फंक्शन माना जाता है, तो उस ब्रैकेट का यूज़ भी हम यहाँ पर कर रहे हैं। एन दिस इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास में, और एलिमेंट का साइज देंगे हम यहाँ पर डिक्लेरेशन और सॉरी इनिशियलाइजेशन टाइम का। दिस स्टेटमेंट विल एलोकेट कॉन्टिगस स्पेस इस मेमरी फॉर एन एरे ऑफ एन एलिमेंट्स। ठीक है, ये क्या करेगा, कंटिन्यू स्पेस देगा हमको। ऐसा नहीं है हमारे पास जब होटल में 5 टेबल बुक होंगी तो ऐसे नहीं है कि एक कौन से कोने में है और एक कौन से कोने में, कंटिन्यू हमारी 5 टेबल्स बुक होंगी वहाँ पर। इसी तरह से सेम है यहाँ पर भी, हमारे पास में जो n एलिमेंट्स हैं उनके लिए जब हमारे को मेमोरी स्पेस मिलेगा वो कंटिन्यू मिलेगा, कंटिन्यू ब्लॉक होंगे हमारे पास में n एलिमेंट्स के लिए। फॉर एग्जांपल इनिशियलाइज देखेंगे इसका ptr float। अब मैंने लिया है यहाँ पर float, जो भी मेरी वैल्यू होगी n एलिमेंट्स की वो किस में होगी, फ्लोटिंग वैल्यूज़ होगी, पॉइंटिंग वैल्यूज़ होंगी। देन कैलॉग 25 एलिमेंट्स है, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स n की जगह मैंने लिखा 25, इट डिपेंड्स ऑन यू कितना भी लिख सकते हैं हम। साइज ऑफ, साइज ही चाहिए हमें तो साइज ऑफ कीवर्ड यूज़ करेंगे। देन फ्लॉट, जो भी हमारा कास्ट टाइप होगा वो यहाँ पर हमें रिपीट करना है। दिस स्टेटमेंट एलोकेट्स कॉन्टिगस स्पेस इन मेमोरी फॉर एन एरे ऑफ 25 एलिमेंट ईच ऑफ साइज ऑफ फ्लॉट एग्जाम्पल 4 by। अब जो भी ये क्या करेगा स्टेटमेंट हमारा, हमें कंटिन्यू स्पेस प्रोवाइड करेगा 25 एलिमेंट्स के लिए। अगर हम एक एलिमेंट की 4 byte मानते हैं वैल्यू, तो ये 4 के इनटू में हमें 25 के लिए वैल्यू मेमोरी स्पेस प्रोवाइड करवा देगा। अब आता है हमारा फ्री फंक्शन, सी में फ्री फंक्शन। जैसे नाम से ही पता चल रहा है फ्री, मतलब ये मेमोरी को हमारे लिए क्या कर देता है, ज़रूरत पड़ने पर फ्री कर देता है। एग्जैक्टली हम देखेंगे कि क्या होगा इसमें, डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी क्रिएटेड विथ आइदर कैलॉग और मैलॉग डजेंट गेट फ्री ऑन इट्स ओन। अब क्या है डायनेमिकली, जब हम मेमोरी एलोकेट करते हैं किसके द्वारा करते हैं हम मेमोरी एलोकेट, अभी तक हमने देखा कैलॉग फंक्शन से और मैलॉग फंक्शन से किया, बट क्या हुआ हम उसमें फ्री करना भूल गए मेमोरी। जैसे हमने 8 byte पहले से ही मेंशन कर लिया, अब हमारे काम में कितनी आई 6 byte, 2 byte हमारा फ्री रह गया था, अब हम उसे फ्री करना भी भूल गए वहाँ से, हमारा वो 2 byte हमारा रखा ही है। तो अब हमें क्या करना पड़ता है, वो 2 byte क्या होगा, अपने आप फ्री नहीं होता, ऐसे नहीं है कि ज़रूरत पड़ गई वो अपने आप आपके पास आ गया। ठीक है, 20 वही एग्जांपल हम फिर से देखते हैं, 20 फ्रेंड्स हम गए थे होटल में जाने वाले थे बट गए 18, अब हमारे पास में 2 chairs वहाँ पर फ्री रह गई, तो वो 2 chairs के ऑटोमेटिक उठ के चली जाएंगी, अपने आप चल के थोड़ी चली जाएंगी, उनको हमें या तो हम वेटर को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आप ये 2 chairs आप ले सकते हैं, या वेटर आपसे पूछेंगे कि क्या ये 2 chairs हम आपसे ले लें, तो ये चीज़ होगी वहाँ पर। तो यही यहाँ पर भी यही है, वो जो 2 byte हमारा बच गया है वो अपने आप फ्री नहीं होगा, उसे इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। यू मस्ट एक्सप्लिसिटली यूज फ्री टू रिलीज द स्पेस, आपको उसे रिलीज करने के लिए हमें फ्री फंक्शन का यूज़ करना होगा। तो सिंटेक्स क्या है फ्री फंक्शन का, फ्री ptr ब्रैकेट में हमने लिखा ptr पॉइंटर। ptr पॉइंटर हमने इसलिए लिखा है क्योंकि जो फ्री फंक्शन है हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कहाँ पर है, तो उसका एड्रेस हमें बताना पड़ेगा। ptr क्या करता है, एड्रेस लेता है, तो एड्रेस हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे, तो ये क्या करेगा उसको ptr एड्रेस जो हमने दिया है उस वाले स्पेस को फ्री कर देगा, जिसे हम हमारे प्रोग्राम में हमारे फंक्शंस के लिए उसे यूज़ कर सकते हैं। दिस स्टेटमेंट फ्रीज द स्पेस एलोकेट इन द मेमोरी पॉइंटेड बाय ptr। अब जो ptr के द्वारा जो पॉइंट की गई है वैल्यू, हम पॉइंट करके बताएंगे ये 2 chairs, ऐसे थोड़ी बताएंगे 2 chairs ले जाओ, वो पूछेगा कौन सी 2 chairs, तो हम उसे पॉइंट करके बताएंगे ये वाली 2 chairs। सेम कंडीशन इज देयर यहाँ पर भी यही है, हम उन्हें पॉइंट करके बताएंगे कि ये वाला स्पेस हमें क्या करना है, फ्री करना है, तो हम वो एड्रेस वहाँ पर पुटअप करेंगे। सी रीअलॉक, सी के अंदर रीअलॉक फंक्शन किस तरह से यूज होता है, क्या इसका सिंटैक्स होता है, क्या काम आता है, ये देखेंगे हम। इफ़ द प्रीवियसली एलोकेटेड
memory is insufficient or more than the required, you can change the previously allocated memory size using ReLO. अब क्या होता है, हमने पहले से कुछ मेमोरी ले ली, एलोकेट कर ली, बट वो इनसफिशियंट है, या तो कम पड़ रही है हमारे, या हमारे पास में ज़्यादा हो रही है, तो हम क्या करेंगे, उसे चेंज कर सकते हैं, कम या ज़्यादा हम हमारे अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो वो किस फंक्शन से कर सकते हैं, हम ReLO से उसका साइज़ मेमोरी का हम चेंज कर लेंगे। इसका सिंटैक्स क्या होगा, सिंटैक्स ऑफ ReLO PTR, वही पॉइंटर ही यूज़ करेंगे सब में क्योंकि एड्रेस ही देना है हमें, इक्वल्स टू ReLO PTR कोमा न्यू साइज, सेपरेट करेंगे हम एड्रेस और न्यू साइज को बाय द कोमा एंड एंड ऑफ द सेंटेंस इज सेमी कॉलन। दिस फंक्शन एलोकेट ए न्यू मेमोरी स्पेस ऑफ साइज न्यू साइज टू द पॉइंटर वेरिएबल PTR एंड रिटर्न ए पॉइंटर टू द फर्स्ट बाइट ऑफ द न्यू मेमोरी ब्लॉक। ये फंक्शन क्या करेगा, हमारे पास में एक न्यू मेमोरी स्पेस प्रोवाइड कर देगा, किसके लिए, वेरिएबल PTR के लिए, जो वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं, एंड रिटर्न ए पॉइंटर और एक एड्रेस भी हमें रिटर्न करेगा, फर्स्ट कैरेक्टर के लिए बाइट्स के अंदर होगा, वो उसका साइज कौन सी यूनिट में होगा, बाइट में, और न्यू मेमोरी ब्लॉक, एक नया मेमोरी ब्लॉक हमारे लिए क्रिएट कर देगा। द न्यू साइज मे बी लार्जर और स्मॉलर देन द साइज, अब जो नया साइज हमने बनाया है वो हमारी साइज जो हमने पहले ली थी उससे बड़ा भी हो सकता है और उससे स्मॉलर भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन आवर कंडीशन ऑब्वियसली, इसीलिए तो हम ये सारी प्रोसेस कर रहे हैं कि हमें एग्जैक्ट साइज मिल जाए, तो वो छोटा भी हो सकता है न्यू साइज और बड़ा भी हो सकता है। इफ द फंक्शन इज अनसक्सेसफुल इन लोकेटिंग एडिशनल स्पेस, अगर क्या होता है हमने फंक्शन यूज़ कर लिया बट हमारी लोकेशन एडिशनल, मतलब हमने जो नया साइज़ यूज़ करना है कैसे और कहाँ करना है, यहाँ पर हमारी कुछ थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है या वो फंक्शन आपका वर्क नहीं कर रहा होता है, तो क्या होगा, इट रिटर्न्स नल पॉइंटर एंड द ओरिजिनल ब्लॉक इज फ्री। तो क्या होगा, हमें एक नल पॉइंटर मिल जाएगा, यहाँ पर जीरो वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगी, इसका कोई रिप्लाई तो मिलेगा हमें कि नल पॉइंटर, नल पॉइंटर मिलते ही हम समझ जाएंगे कि हमने कहीं ना कहीं क्या किया है, कोई मिस्टेक की है, तो हमें नल पॉइंटर मिल गया। एंड द ओरिजिनल ब्लॉक इज़ फ्री, और जो आपका ओरिजिनल ब्लॉक था, जो आपका एक्चुअल में था कि आपने जितनी बाइट्स ली थी वो आपको ब्लॉक फ्री होके मिल जाएगा। तो इन सब चीज़ों से आपको ये पता चल जाएगा नल पॉइंटर मिल जाने के बाद में कि आपने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक की है, तो उससे हमें हम उस प्रोसेस को वापस से परफॉर्म करके हम उसे करेक्ट कर पाएंगे। अगर डिफरेंसेस बिटवीन स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन एंड द डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, अब दोनों मेमोरी हमने देखी, स्टैटिक मेमोरी क्या होती है बहुत अच्छे से हमने देखा, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हमने देखा, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, फंक्शंस भी हमने देख लिए। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म एट स्टैटिक और कंपाइल टाइम, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन जब परफॉर्म होती है तो वो सिर्फ कंपाइल टाइम पर और स्टैटिक टाइम पर होती है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है, डायनेमिक मेमोरी रन टाइम पर होता है आफ्टर द एग्जीक्यूशन, जब ये वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है ना स्टैटिक वाला, तब हमारा डायनेमिक वाला स्टार्ट होता है, एग्जैक्टली वी कैन से। असाइन टू स्टैक, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होता है वो स्टैक के रूप में असाइन होता है, और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है वो हमारा हीप के फॉर्म में स्टोर होता है। स्टैटिक एलोकेशन में साइज मस्ट बी नोन एट कंपाइल टाइम, कंपाइल टाइम जब भी होता है तो हमें साइज़ का पता हुआ होता है, मोस्टली हमें साइज़ पता होता है, बाद में हम उसे हमारे अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, हमारे पास में बहुत सारे फंक्शन अभी हमने देखे उनके अकॉर्डिंग हम उसे स्मॉलर और लार्जर कर सकते हैं। तो स्टैटिक एलोकेशन में साइज़ हमें पहले से पता होता है, डायनेमिक की कंडीशन में क्या होता है, साइज़ में भी अननोन एट कंपाइल टाइम, अब साइज़ हमारे पास में कई बार नहीं पता होता है तो उस कंडीशन में हम डायनेमिक एलोकेशन मेमोरी का यूज़ करते हैं। स्टैटिक एलोकेशन फर्स्ट इन लास्ट आउट, जो एलिमेंट फर्स्ट में आता है वो लास्ट में आउट होता है, जब उसे बाहर करना होता है तो वो लास्ट में जाएगा,
और डायनेमिक एलोकेशन की कंडीशन में क्या होता है, नो पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ असाइनमेंट, इसमें कोई पर्टिकुलर असाइनमेंट नहीं होता है हमारे पास में डायनेमिक की, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम उसे चेंज कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या मेमोरी प्रोवाइड करवा सकते हैं। इट इज़ द बेस्ट इफ़ रिक्वायर्ड साइज ऑफ मेमोरी नॉन इन एडवांस। इसका यूज़ कब सबसे बेस्ट होता है स्टैटिक का, जब हमें साइज़ पहले से ही पता होता है कि कितना साइज़ हमारे यूज़ में आने वाला है, तो उस कंडीशन में हम स्टैटिक एलोकेशन को यूज़ करना बेस्ट होता है। डायनेमिक एलोकेशन इज़ द बेस्ट इफ़ वी डोंट हैव आइडिया अबाउट हाउ मच मेमोरी इज़ रिक्वायर्ड। अब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कब यूज़ करना चाहिए हमें, जब हमें ये नहीं पता होता है कि आने वाले प्रोग्राम में हमें मेमोरी की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, कितनी रिक्वायरमेंट होगी, हमें बिल्कुल भी कुछ भी आइडिया